स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए होने वाली है, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग चाहेंगे तो पीडीएफ यहां से जाके इस वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। www.globalitii.org से आप आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। चलो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। फुल फॉर्म क्या है यूपीएस का, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को समझो कि यूपीएस का काम क्या होता है, यूपीएस यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आप लोग कहीं पे भी यदि आप कंप्यूटर यूज करते हो तो मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है और इधर आपका एक यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है। इधर बीच में कहीं पे सीपीयू है, ठीक है, इधर बीच में कहीं सीपीयू है और इसी से यहाँ पे आके ये सॉकेट जुड़ा हुआ है, इसी से आके यहाँ पे सॉकेट जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा सॉकेट, ठीक है, ये है आपका यूपीएस। इस यूपीएस से कनेक्टेड रहता है आपका सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, और इसके बाद फिर कनेक्टेड रहता है आपका मॉनिटर, ठीक है। तो जब जब कभी भी बीच में यदि लाइट कट जाती है, भाई आप जानते हो कि बिजली हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है, लाइट कटती रहती है, तो अचानक से यदि लाइट कट जाती है तो सारे जो भी हमारे उपकरण होते हैं वो उपकरण बंद हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर पे यदि आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और अचानक से बंद हो जाए, लाइट कटते ही तुरंत बंद हो जाए, तो वहां पे आपका काम अधूरा रह जाता है। या फिर मान लो कि कोई एक आप प्रोफाइल बना रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट आधा आपका बन चुका है, आपने सेव नहीं किया है और तुरंत लाइट कट गई, लाइट जैसे ही कट गई तो आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक यूपीएस लगाते हैं कि ये यूपीएस क्या करेगा, ये यूपीएस हमको कम से कम कुछ देर तक, इतना देर तक सप्लाई दे देगा कि उस जो भी हम डाटा सेव किए हैं या जिस भी डाटा पे हम काम कर रहे हैं वो उसको सेव करने के लिए हमें कुछ समय दे दे, ठीक है, कुछ समय तक ये सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखता है। ये काम होता है आपके यूपीएस का। यूपीएस पावर को कट नहीं होने देता तुरंत, ये कुछ देर तक सप्लाई मेंटेन करता है, यही काम होता है आपके यूपीएस का। इसीलिए इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है कि ये तुरंत इंटरप्ट नहीं होने देता, मतलब तुरंत हस्तक्षेप नहीं होने देता है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में यहाँ पे एक बॉक्स बना के इसको एक्स लिख दिया है, इसने पूछ लिया है कि इसका नाम क्या है, इसने केवल ये पूछ लिया है कि इसका नाम क्या है। तो भाई देखो यूपीएस जो है, यूपीएस आपका दो प्रकार का होता है। यूपीएस कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। एक होता है आपका ऑफलाइन यूपीएस, ठीक है, और एक होता है आपका ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस तो चाहे आप ऑफलाइन यूपीएस यूज करो, चाहे आप ऑनलाइन यूपीएस यूज करो, दोनों में बैटरी से पहले हम लोग एक चार्जर लगाते हैं। बैटरी से पहले क्या लगाते हैं? बैटरी चार्जर लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? बैटरी चार्जर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो एक्स है, ये जो डब्बा खाली है, ये खाली डब्बा किसको डिनोट कर रहा है? ये खाली डब्बा बैटरी चार्जर को डिनोट कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देखो भाई, बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए ये जो मेथड दिया हुआ है, ये कौन सा मेथड है, या फिर ये कहिए कि कौन सा माउंटिंग मेथड है। माउंटिंग मेथड कहने का मतलब ये है कि कहीं मान लीजिए कि कहीं पे आप कई सारे बैटरी एक साथ लगा रहे हैं, जैसे छोटी छोटी कई सारी बैटरियां एक साथ लगा रहे हैं, तो कई सारी बैटरी को एक साथ रखने के कई सारे मेथड होते हैं, उसी में से एक मेथड यहाँ पे दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सा मेथड है। तो ये मेथड तो आपका है टीयर मेथड। कौन सा मेथड है भाई? ये आपका है टीयर मेथड। शायद आपको पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, अब ऑप्शन आपको क्लियरली दिख जाएंगे, है ना। तो देखो जब हम लोग स्टेयर स्टेप वाइज, मतलब कि ऐसे स्टेप में अपने बैटरी को रखते जाते हैं, इस तरह से स्टेप में बैटरी को रखते जाते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग टीयर माउंटिंग मेथड। टीयर माउंटिंग मेथड, या आप ऐसे समझो कि मान लो कि जैसे आप लोग पिक्चर में भी देखे होंगे या आपने कॉलेज में कभी जाते हैं
गेम के लिए, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उनके लिए एक स्टेयर बनाई जाती है, फर्स्ट वाला सबसे ऊपर, उसके नीचे सेकंड वाला, फिर उसके नीचे थर्ड वाला, ठीक है। तो एकदम उसी तरीके से एक स्टेयर बनी होती है और उस पर बैटरी जब रख दी जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं टीयर माउंटिंग मेथड, ये आपका टीयर माउंटिंग मेथड है। फिर एक होता है आपका कैबिनेट मेथड, कैबिनेट मेथड मतलब कि एक अलमारी बना दी जाती है, अलमारी के अंदर रेक होते हैं, उसके अंदर बैटरी एक के ऊपर एक रखी जाती है और उसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो होता है आपका कैबिनेट मेथड। फिर एक होता है आपका रैक मेथड या सेल्फ मेथड, जिसमें रैक बना दिया जाता है दीवार पे या फिर कहीं पे भी, जैसे आप लोग किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान में जो काउंटर बने होते हैं एक के ऊपर सामान रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक सामान रखे जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का रैक ही बनाया गया है और उसके ऊपर उसी तरीके से बना के बैटरी उसके ऊपर रखी जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं रैक टाइप या सेल्फ टाइप माउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको टीयर माउंटिंग दिया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ यूपीएस, ये यूपीएस का कौन सा टाइप है। देखो भाई, मैं आप सभी बताया हूँ कि बैटरी लगाने से जस्ट पहले हम लोग लगाते हैं बैटरी चार्जर ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में हम लोग जस्ट पहले बैटरी चार्जर लगाते हैं बैटरी से जस्ट पहले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल होगा नहीं, ये तो दोनों होंगे नहीं, ठीक है। अब आपके पास बचा एक इंडस्ट्रियल टाइप यूपीएस और एक लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। इंडस्ट्रियल यूपीएस ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखिए कि क्या क्या लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको दिख रहा है कि यह आपका एक C1 है, C2 है, ठीक है, इधर R1। तो भाई ये तो ट्रिकल चार्जिंग मेथड है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड है, चार्जिंग मेथड का फिगर है ना। तो ये सर्किट किसकी हो गई, ये सर्किट हो गई आपके बैटरी चार्जर की, ट्रिकल चार्जिंग मेथड मतलब ये जो सर्किट बनी हुई ना पूरी, ये पूरी सर्किट ट्रिकल चार्जर की है, जो हम लोग जिसमें क्या यूज करते हैं, जिसमें हम लोग LM317IC यूज करते हैं, LM317IC का यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये LM317IC यूज की गई है यहाँ पे, और LM317IC ही चाहे हमारा ऑनलाइन यूपीएस हो चाहे ऑफलाइन का यूपीएस हो, दोनों के चार्जर में हम लोग LM317IC ही यूज करते हैं, यदि हमारी लेड एसिड बैटरी है तो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये फिगर, ये पूरा कौन सा चार्जर है, ये पूरी जो सर्किट बनी हुई है किस चार्जर की सर्किट है, ये ट्रिकल चार्जर की सर्किट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड एसिड बैटरी अंडर डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन में लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो देखो, ये चार्जिंग की कंडीशन में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 से लेके 1.28 तक होता है। कितना होता है, फुल चार्ज पे, ये लिख लो, फुल चार्ज पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 से लेके कितना होती है, 1.28 तक, ठीक है। और डिस्चार्ज पे कितना हो जाता है, डिस्चार्ज पे ये हो जाता है 1.11 से लेके कितना, 1.14 तक, ठीक है, 1.11 से लेके 1.14 तक। और यदि यहीं पे मैं लिथियम आयन बैटरी की बात कर दूं तो लिथियम आयन बैटरी के लिए कितना हो जाता है भाई, लिथियम आयन बैटरी यदि मान लो कि आपके फुल चार्ज है, फुल चार्ज है, तो उस समय उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, उस समय उसका इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.27 से लेके 1.30 तक होता है, ठीक है, 1.27 से लेके 1.30 तक लिथियम आयन बैटरी का फुल चार्ज पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके जो उसमें हमने बिलियन यूज किया है उस बिलियन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.27 से लेके 1.30 तक होता है, और लेड एसिड बैटरी में 1.26 से लेके 1.28 तक होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे पूछा है आपका डिस्चार्जिंग स्थिति में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में कितना होता है, 1.11 से लेके 1.14, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1.11 से लेके 1.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्षिप्त में सीबीटी का फुल फॉर्म बताना है। यार देखो, सीबीटी का फुल फॉर्म, देखो भाई मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि भाई आप लोग
फिगर और एब्रिविएशन ये दोनों चीज जरूर याद रखिएगा। फिगर आपका हर एक एग्जाम में, मतलब जो आपके बुक्स में फिगर दिए हुए हैं, तो चाहे आप आईटीआई के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, हर एक एग्जाम में इसका वेटेज 25-30% रहता ही है फिगर्स का और एब्रिविएशन का, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना भाई मेरे, क्योंकि अभी देखो आप फिगर से, मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चन में फिगर से ही करा चुका हूँ, अभी मैं कितने 6वें या 7वें नंबर क्वेश्चन पे हूँ और 3 क्वेश्चन में फिगर से करा चुका हूँ, ठीक है। तो 25-30% वेटेज एकदम 100% श्योर है कि इतना रहता ही है, और एब्रिविएशन भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सीवीटी का पूछा है ना, तो सी और टी का तो सबको याद रहता है, केवल कंफ्यूजन होता है वी में, तो वी को याद रखिए कि वी को क्या कहते हैं हम लोग, वी को वोल्टेज कहते हैं, वी को वोल्टेज कहते हैं। बाकी सी और टी का सबको याद रहता है कांस्टेंट और ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट ट्रांसफार्मर, बाकी कंफ्यूजन होता है वोल्टेज में, तो वी इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि वी को याद रखिएगा, वी वोल्टेज है, तो बाकी बन गया इसका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा, ये जो इतने उपकरण दिए हुए, इन उपकरण में से कौन सा उपकरण इंसुलेशन के प्रतिरोध को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो भाई, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मेजर करने के लिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि मेगर है, एमीटर है, वॉटमीटर है, एनर्जी मीटर है, तो केवल एक ही उपकरण ऐसा दिख रहा है जो प्रतिरोध को मेजर करता है, केवल एक ही उपकरण दिख रहा है जो क्या करता है भाई, जो प्रतिरोध को मेजर करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन इतना ज्यादा सरल सरल दे दिया है कि कोई भी बच्चा देख के तुरंत इसको टिक करेगा, तुरंत इसका आंसर बताएगा कि इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि केवल एक ही रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए दिया ही है ऑप्शन, बाकी दूसरा दे दिया। देखो जो एमीटर है, एमीटर से सबको पता होगा कि एमीटर से हम लोग धारा को मेजर करते हैं, है ना, वोल्टमीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, ये भी सबको पता होगा, और एनर्जी मीटर से क्या करते हैं भाई, एनर्जी मीटर से हम लोग पावर को इंटीग्रेट करते हैं, पावर मेजर करते हैं, तो ये तो ऑप्शन एकदम आसान हो गया। ये ऑप्शन कब टफ बनता मैं बता रहा हूँ, देखो कब टफ बनता, जब आपको ऑप्शन में दिया रहता पहला मेगर, ठीक है, दूसरा आपका दिया होता पोटेंशियोमीटर, तीसरा दिया होता आपका ओम मीटर, फिर चौथा दिया होता आपका डी ऑप्शन लॉस ऑफ चार्ज मेथड। अब इस तरह से यदि ऑप्शन दिया होता है तब ये सबके लिए कठिन हो जाता है कि इसमें कौन सा होगा, है ना, ऑप्शन इस तरीके से दे दिया है तो ये सबसे बहुत ज्यादा आसान हो गया, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यदि इस तरीके से दिया होता तो ये सबके जो चारों मेथड हमने लिखा है, चारों मेथड ही रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए है, जिसमें से मेगर हमेशा इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, मेगर हमेशा इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, और मेगर की सहायता से हम लोग मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं मेगर की सहायता से, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन यूपीएस के बैटरी चार्जिंग सर्किट में कौन सी आईसी का उपयोग किया जाता है। अभी तो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ कि चाहे आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यदि आप लेड एसिड बैटरी यूज किए हैं तो उसमें आप हम लोग कौन सा यूज करते हैं, LM317 आईसी यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रतिरोध का मान, ये कौन सा मेथड है, पृथ्वी प्रतिरोध को मेजर करने का ये कौन सा मेथड है। देखिए अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपके पास चार मेथड है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपके पास चार मेथड है। एक है आपका कि सिंगल पॉइंट मेथड, फिर दूसरा है आपका टू पॉइंट मेथड, फिर तीसरा है आपका थ्री पॉइंट मेथड, ठीक है, चौथा है आपका फोर पॉइंट मेथड। अब देखो इसके ऊपर की सर्किट क्या है उससे हमें नहीं मतलब, इससे ऊपर क्या सर्किट दिया हो उसको छोड़ दो, ऊपर इसके एक अर्थ टेस्टर लगा होता है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल आपको पहचानने सिखा रहा हूँ कि कैसे आप देख के फिगर तुरंत पहचान जाओगे कि ये कौन सा रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड है, ठीक है। देखो
यदि सिंगल पॉइंट मेथड दिया रहेगा, कहीं पे भी यदि सिंगल पॉइंट मेथड दिया रहेगा तो वहां पे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो वहां पे केवल एक ही पॉइंट आके अर्थ से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल, ये हो गया आपका सिंगल। यदि डबल की बात करेगा तो वहां पे दो पॉइंट आके ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे। वहां पे कितने पॉइंट आके ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे, वहां पे दो पॉइंट आके ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे। और यदि तीन की बात करेगा, यदि थ्री पॉइंट मेथड की बात करेगा तो उसमें आपके तीन पिन आके ग्राउंड में कनेक्टेड रहेंगे। कितने? तीन पिन आके ग्राउंड में कनेक्टेड रहेंगे। और यदि फोर पॉइंट की बात करेगा तो वहां पे चार पिन आके कनेक्टेड रहेंगे ग्राउंड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने पिन कनेक्टेड हैं, तो काउंट कर लो बेटा। ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। मतलब आपको दिख रहा है कि तीन पिन यहाँ पे आके कनेक्टेड है, किससे? ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में आके तीन पिन कनेक्टेड है, तो ये आपका हो जाएगा थ्री पॉइंट मेथड। ये अर्थ रेजिस्टेंस का कौन सा मेथड हो जाएगा? थ्री पॉइंट मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो कि यूपीएस के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बनाए गए परिवेश के तापमान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नहीं, ये थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे गलत लिख दिया है। इसका कहना यह है कि टेम्परेचर कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए। इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ यूपीएस? यूपीएस की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर कितने से कितने के रेंज में रखना चाहिए? तो वो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में यदि आपके यूपीएस का टेम्परेचर मेंटेन है तो आपके यूपीएस की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो उसमें आपका यूपीएस का लाइफ थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।